हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीविंग यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर 1/23 सेशन में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। और आप सभी बच्चे 30 अप्रैल को अपना बेसिकली पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। अभी आप सभी बच्चों का 20 तारीख तक तो प्रैक्टिकल चलेगा। RS मोड कॉलेज, बीविंग कॉलेज बलियापुर, कतरास कॉलेज, बोकारो कॉलेज, शायद इन सब कॉलेज के प्रैक्टिकल का नोटिफिकेशन आया हुआ था, तो वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। भाई जिसका इतना प्रैक्टिकल 20 से पहले सारा का सारा प्रैक्टिकल कंप्लीट होगा, तो आप लोग अभी फिलहाल कहीं घूमने भटकने मत जाइएगा, प्रैक्टिकल दे दीजिएगा, उसके बाद भटकने जाइएगा। आपको कोई रोकेगा नहीं, फोटो टूटे जहां जाना जाइएगा। अब बात रहा आपसी बच्चों का सेमेस्टर 1 का रिजल्ट का, तो कब तक जारी होगा, लेकिन सेमेस्टर 1 के रिजल्ट से पहले आपको ये सबक सीखना चाहिए, जो मुझे लगता है मैं आपको यहाँ पर एक बड़े भाई के नाते रिक्वेस्ट करता हूँ। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज लिंक मिल जाएगा, जुड़ जाइए। कोई अपडेट आएगा सबसे वहां शेयर किया जाएगा। देखिए अभी वर्तमान में हुआ क्या, आप सही बच्चों के जो सीनियर छात्र छात्राएं हैं, जो कि FYUP UG सेमेस्टर 3 22/26 सेशन के, जिस प्रकार आप लोग 23/27 है, तो ये लोग 22/26 सेशन छात्र छात्रा है। इनका देखिए रिजल्ट आया, जिनमें इनका भी मेजर पेपर था, माइनर था, MDC था, VAC नहीं था, इनका सेक पेपर था और AAC था, ठीक है। जिस प्रकार आपका सब पेपर था उन्हीं का भी सेम पेपर था, एक पेपर जैसे आपका अंडरस्टैंडिंग लिया था, एक्स्ट्रा बस इनका एक पेपर नहीं था, बाकी इनका दो मेजर पेपर था सेमेस्टर 3 में, ठीक है। इनका रिजल्ट हुआ क्या दिक्कत पता है, इनमें से बहुत सारे बच्चे जो अधिकांश हमारे ऐसे तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्होंने पेपर दिया था, वो लोग अपने में श्योर है कि हम लोग एग्जाम में 80 नंबर पेपर है तो 65 लिख के हैं, लेकिन उनको एग्जाम में लगभग 12 नंबर 13 नंबर दिया गया। प्लस कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो एग्जामिनेशन देने गए थे लेकिन उनके रिजल्ट में एब्सेंट दिखा दिया गया, तो सोचिए कितना कह सकते हैं महान या फिर अच्छा यूनिवर्सिटी हमारा, जो इस प्रकार कॉपी जांच करता है कि जो बच्चा मेहनत से लिखता है या अच्छे से लिखता है उसको नंबर कम, जो चोरी चमारी करके लिखेगा उसको नंबर ज्यादा मिलता है। तो इससे आप कॉपी चेकिंग होने का आइडिया लगा ही सकते हो, ठीक है। कोई बच्चा सोचता है कि हम लोग कॉपी जो चेकिंग होता है, जिसे हम लोग स्कोपिंग नाम चलते हैं, वो करवाइए, तो भाई कोई फायदा नहीं है। रिजल्ट कब आएगा कब नहीं, इसकी मैं कभी गारंटी नहीं दूंगा। अगर मुझसे मेरी व्यक्तिगत राय पूछो कि अप्लाई करना चाहिए, तो भाई एकदम नहीं करना चाहिए, उससे ऐसा पेपर दोगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या सीखे भाई, इससे आप ये सीखो कि आपका अगर किसी पेपर में बैक लगता है, ये 6 पेपर आपका हो, चलिए मैं BSC इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है, इंक्लूड 6 पेपर आपका जो होगा, तो भाई किसी भी पेपर में आपको याद रखिएगा 40% आना है, 40% आपका मेजर माइनर MDC सेक पेपर सबका लाना है, ठीक है। जितना भी पेपर था आपका उसका 40% निकाल लीजिएगा, 40% हिसाब से आपको नंबर लाना पड़ेगा। भविष्य में अगर आपका सेमेस्टर 1 का रिजल्ट कुछ खराब भी आता है तो भाई चिंता मत करिएगा, सेमेस्टर 1 में आपको कोई रोकेगा नहीं, सेमेस्टर 2 आपको जाने दिया जाएगा। सेमेस्टर 2 में एडमिशन कुछ कुछ कॉलेज में होता है, नहीं बोला सब कॉलेज में होता है, कोई वहां एडमिशन एडमिट करवाना है, सब कुछ होता है, लेकिन ये सेमेस्टर 1 आपको क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन इससे जान लीजिए, ये बात सीख लीजिए कि भाई आपको इस यूनिवर्सिटी से अगर निकलना है तो आपको ये नहीं है कि सिर्फ गेस्ट पेपर में भरते रहिएगा, या फिर कोई भी आलतू फालतू आप सही बच्चे कोई कंपनी गेस्ट पेपर खरीदोगे और उससे पढ़ के पास हो जाओगे, नहीं सर, आपको मेहनत करना है। 6 पेपर आपका इस बार सेमेस्टर 2 में भी है, अभी आप लोग सेमेस्टर 2 को लाइटली ले लो, भाई ले लो कोई दिक्कत नहीं, सेमेस्टर 2 जब आएगा ना फिर आपको रुला देगा इसी तरह, ठीक है। अभी आप लोग रेस्ट कर लो भाई, 3-4 महीने का खुशी है, उसके बाद फिर आपको रोना ही पड़ेगा। तो अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला है तो मैं वही सलाह दूंगा कि भाई मेजर माइनर MDC माइनर का भी सिलेक्ट ले, बाकी जितना भी पेपर आपको क्लियर है जो मैंने बता दिया सिलेबस कहाँ से मिलेगा भाई कंप्लीट कर रख लो, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, वरना फिर आपको दिक्कत होगा, फिर फेल हो गए तो आप ही का पैसा बर्बाद है। अब आप लोग सोच सकते हो इतना तो होशियार होगा, क्योंकि अगर आपको देखा जाए करेंटली तो आप लोग 18-19 साल के युवा हो चुके हो, तो इतना तो आपको नॉलेज हो गया होगा कि क्या सही है क्या गलत है, कोई आपको मन को तो डायवर्ट नहीं कर सकता ना, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने बता दिया, रिजल्ट से समझा नहीं, रिजल्ट जो भी है लेकिन अपना काम अच्छा करके जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे, और आपसे बच्चों जो रिजल्ट रहेगा अभी 2 महीने तो भूल जाइए, 2 मंथ मान के चलिए कि 2 मंथ से पहले आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, 2 मंथ का इंतजार करिए, उसके बाद आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।